हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 22.5 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास सीखने वाले हैं। ओके, यानी कि रूलर और कंपास से हम 22.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा बेस। ओके, अब क्या करना है, आपने जो बेस लिया इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट आपको ले लेना है। सो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने अनुसार जितना चाहो आप लेंथ अपने कंपास का तय कर लो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इतना लेंथ मैंने तय किया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कंपास की नोक को रखना है और आपने जो कंपास का लेंथ तय किया उसे रेडियस मानते हुए आपको एक आर्क आपको ले लेना है। ठीक है, सो ये रहा हमारा एक आर्क। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको 90 डिग्री का एंगल आपको बना लेना है। कैसे बनता है, अपने कंपास की नोक को चेंज नहीं करना है। ओके, यहाँ पर रखना है कंपास की नोक को, एक यहाँ पे आर्क लगाना है, ये हो गया 60 डिग्री, और एक आर्क यहाँ पे आपको लगाना है, ये हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पे आपको रखना है, इस प्रकार आर्क चलाना है और इस प्रकार आर्क आपको ले लेना है। सो इस प्रकार यहाँ जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहे हैं आर्क से, आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको मिला लेना है। ठीक है, तो आइए इसे मैं डैश डैश लाइन से मिला देता हूँ। ओके, चलिए मैं इसे डैश डैश लाइन से यहाँ मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन चुका है। ओके, अब क्या करना है, यही लेंथ आपको रखना है कंपास का। ओके, अपने कंपास की नोक को यहाँ रखना है, एक आर्क इस तरह चलाना है और यहाँ पे फिर रखना है और एक आर्क आपको इस तरह चला देना है। ठीक है, सो इस प्रकार इंटरसेक्ट पॉइंट जो मिला है इनको भी आपको इस पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, सो इस प्रकार ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री का एंगल बन चुका है, यानी कि 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसी एंगल को जब हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो हमारा 22.5 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी को हाफ करेंगे, तो उसके लिए क्या है, आपको यही लेंथ रखना है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आपका है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर एक आर्क चलाना है। ओके, फिर आपको कंपास की नोक को यहाँ रख कर एक आर्क आपको इस तरह चला देना है। ठीक है, सो इस प्रकार जो आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है इनको आपको इस पॉइंट से आपको मिला देना है। ओके, सो इस प्रकार जो आपका एंगल बनेगा एग्जैक्ट 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। सो आइए इसे मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये एंगल मेरा 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री का एंगल बन चुका है। ठीक है, आइए मैं इसे मेजर करके मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा जो एंगल बना है एडजेक्ट 22.5 डिग्री का एंगल बन चुका है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ, 20, 21, 22 और ठीक 22 और 23 के बीच से हमारा लाइन जो है गया है। ठीक है, यानी कि 22.5 डिग्री का एंगल हमारा एडजेक्ट बन चुका है। ठीक है, सो जब आप बनाओगे तो हो सकता है आपको 23 डिग्री का आपको एंगल बने। सो आपको यहाँ पे आपको नहीं टेंशन लेना है। ओके, हो सकता है लेफ्ट राइट जाए। ठीक है, सो इस प्रकार आप एग्जैक्ट 22.5 डिग्री का एंगल बना सकते हो। ठीक है, सो थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो यहाँ पर आप इसे चाहो तो यहाँ पर आप दिखा दो कि ये जो हमारा एंगल है एग्जैक्ट 22.5 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, ये जो एंगल है 22.5 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि 22.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सो थैंक यू।